गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित पटवारी एंड आई विल बी टेकिंग फ्यू क्लासेस फॉर एसेट। अभी तक 2 दिन हुआ है हमारे क्लासेस का। फर्स्ट डे यू हैड स्टैटिस्टिक्स वेयर इन मैम हैज़ एक्सप्लेन्ड यू द कोर्स स्ट्रक्चर, हाउ एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड एंड मैम हैज़ ऑल्सो शोन यू आवर AEIQ फोरम wherein we have put up lot of MCQs, so because it's an objective based examination, lot of more MCQs we will put in upcoming days, but I guess approximately 1300 to 1400 MCQs are already there in our platform, plus recorded lectures bhi aapko already access mil chuka hai uska, so live classes to ho rahi hai, but if you want to complete the course in your pace, if you want to complete the course pre-hand, then in that case you can do it from those recorded lectures. अभी अगर आप देखेंगे तो ACET examination का dates नहीं आया है, most probably December में होगा, तो अभी काफी time है. So those who are comfortable, they can start with the first paper also, क्योंकि अभी 5 महीना बहुत लंबा टाइम पीरियड है ACET के लिए. सो वॉट यू कैन डू, यू कैन टेक अप वन स्मॉल पेपर, इधर CB1 और CS1 एज यू फील लाइक, और आफ्टर सम 1 महीना 1.5 महीना बाद भी आप कर सकते हैं. डिसम्बर के बाद भी आप शुरू करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा मई में, बट अगर आप प्री हैंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. चलिए, सो अभी तक आप लोगों का 2 क्लास हुआ है स्टेटिस्टिक्स का, एंड यस्टरडे यू हैड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड LR का क्लास. सो हम लोग मैथमेटिक्स से करेंगे. नाउ काफ़ी सारा टॉपिक्स ऐसा है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसका एप्लीकेशंस या उसका यूज़ दूसरे किसी चैप्टर में आएगा. सबसे छोटा सा टॉपिक जो हम लोग आज करेंगे दैट इज इंडिसेस, राइट? तो हम लोग इंडिसेस वाला टॉपिक हम लोग आज करेंगे. राइट? नाउ अगर मैं आपको पूछूं 2 का स्क्वायर, राइट? 11th 12th में आपके मैथ्स था, बहुत काफी लोगों के अप्लाइड मैथमेटिक्स भी था, राइट? सो दिस इज वेरी सिंपल. आप लोग बोल देंगे 4. ये बहुत सिंपल है, राइट? अब इस पर्टिकुलर 2/2, मतलब 2 के पावर में जो 2 है, इसका मतलब क्या है? इस 2 का मतलब होता है बेस, राइट? एंड इस वाले 2 का मतलब होता है पावर, जिसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट? बहुत सिंपल है ये व्हेन आई थिंक अबाउट मैथमेटिक्स दिस इज वेरी सिंपल. आपको जो कैलकुलेटर है उसमें भी देखिएगा एक एरो साइन है, दैट इज दी पार बटन. सो 2, दैट एरो साइन 2 इक्वल्स टू वी गेट आंसर. बहुत सिंपल है. सो दिस इज बेस एंड दिस इज पार. व्हाट डज इट मीन? 2 is multiplied, right? 2 times. That is 2 into 2. We'll go very slow. ठीक है, अभी हमारे पास काफी time है, right? We will go very slow, right? चिंता करने की कोई बात नहीं है. So आपको समझ में आ रहा है?
ये टू बेस हो गया, ये पावर इंडेक्स जो अपन बोलेंगे, सो टू का स्क्वायर बेसिकली दैट इज फोर, सभी को मालूम है। इसका मतलब टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स। अगर मैं आपको बोलूं टू का पावर में फोर, तो इसका मतलब टू इज मल्टीप्लाइड फोर टाइम्स, यस और नो? सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, आंसर इज 16। राइट, तो इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आया सबको? टू के पावर में कुछ भी होगा, मतलब दैट बेस इज मल्टीप्लाइड उतना टाइम्स। अगर मैं आपको बोलूं टू के पावर में टेन, व्हाट डज इट मींस? टू इज मल्टीप्लाइड टेन टाइम्स, राइट? ठीक है, अभी मैं आपको इंडिसेस का कुछ कुछ लॉज बताने वाला हूं, राइट, जो कि आपके करिकुलम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? अभी मैं आपको इंडिसेस का कुछ कुछ लॉज बताने वाला हूं जो कि आपके करिकुलम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लॉज ऑफ इंडिसेस, आई रिमेंबर माई स्कूल डेज व्हेन आई यूज टू डू दिस टॉपिक, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक आई हैव एवर कम अक्रॉस, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया a टू द पावर n, इसका मतलब a इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स, दैट इज a इंटू a इंटू a डॉट डॉट अप टू n टाइम्स, बहुत सिंपल है। सेकेंड, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, किसी के पावर में अगर जीरो है, राइट, उसका आंसर बनाएगा। ये सब कुछ कुछ लॉज है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपका एग्जाम एमसीक्यू मॉडल है, तो प्रूफिंग एंड ऑल यू वोंट गेट इट, बट एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। राइट, वेयर ए इज ऑब्वियस नॉन जीरो, ए नॉन जीरो है, राइट, सो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। पावर में अगर माइनस है तो वो इनवर्स हो जाएगा, पावर में अगर माइनस है तो वो इनवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार a टू द पावर माइनस n, सो इट विल बी वन डिवाइडेड बाई a टू द पावर वन, राइट? पावर में माइनस है तो इनवर्स होगा ही होगा, पावर में अगर माइनस है तो इनवर्स होगा। जैसे यहां पे माइनस था, इनवर्स हुआ, पावर में वन आ गया, एंड एनीथिंग टू द पावर वन इज That anything a to the power 1 is a only one time multiplied, लेकिन यहां पे a to the power minus n है, तो पहले inverse होगा, power में n आ जाएगा। ये कुछ कुछ laws of indices आपको समझना पड़ेगा, right? Just जो जो formulas होता है ना, you need to draw it in a piece of paper and paste it on the wall. Every time you enter your room, every time you look beside your mirror, just have a look, उसको देखिए दो मिनट, that's it, right? तो मैंने आपको अभी तक कितना बताया? चार बताया, right?
आइए, फिफ्थ ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम। अभी ये जो रूल है बहुत सिंपल है, बेस अगर कॉमन है तो पावर ऐड कर दो, बेस अगर कॉमन है तो पावर ऐड कर दो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको करा देता हूं, पहले पावर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन सब चीजों को मैं नंबर्स के साथ आपको प्रूफ कर सकता हूं। टू स्क्वायर इंटू टू क्यूब, राइट? इसका क्या मतलब है? टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, टू इज मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स। सो टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स इंटू है, अगेन टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक दो तीन चार पांच, सो टू इज मल्टीप्लाइड फाइव टाइम्स, टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, टू इज मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स, एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब टू इज मल्टीप्लाइड फाइव टाइम्स। अभी आप रूल देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस देखो क्या है, अगर बेस कॉमन है एट द पावर्स, सो दैट इज टू टू द पावर फाइव। ठीक है, आइए वहां मल्टीप्लीकेशन था या डिवीजन है, तो सिंपल, अगर डिवीजन में बेस कॉमन है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। एग्जांपल देख लीजिए, टू क्यूब टू स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? टू इज मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स, टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, कट गया, टू इज मल्टीप्लाइड वन टाइम, टू टू द पावर वन। और अगर आपने प्रॉपर्टी देखें, बेस थ्री माइनस टू दैट इज टू टू द पावर वन, एकदम सिंपल है। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेंगे आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है। नंबर सेवन, ए टू द पावर एन का एम, पावर का पावर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पावर का पावर, मल्टीप्लाई दीज पावर्स, सो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। बहुत सिंपल है। टू स्क्वायर का स्क्वायर, व्हाट इज दिस? टू स्क्वायर का मतलब क्या है? टू इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, फिर इसका स्क्वायर। अब क्या है? दिस एंटायर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस, सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन सी, 2 is multiplied 4 times. यहां पर भी तो वही हो रहा है।
टू का पावर में टू इंटू टू मल्टीप्लाई करो पावर्स को, राइट? वेरी सिंपल, मल्टीप्लीकेशन में बेस कॉमन है एड द पावर्स, डिवीजन में बेस कॉमन है सब्ट्रैक्ट, पावर का पावर मल्टीप्लाई। अभी मेरे को आपको इसमें डिफरेंस बताना है, अगर पावर सेम है तो अपन बेस को इक्वल कर सकते हैं, राइट? ए टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन, पावर सेम है, देन वी कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। एक और रूल है, अगर बेस कॉमन है देन पावर्स आर इक्वल अमोंग देमसेल्फ। पावर सेम है तो दोनों बेस इक्वल है, राइट? बेस इक्वल है तो दोनों पावर सेम है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, जिससे कि आपको आगे जाके जब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अदर चैप्टर्स के तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई थ्री, इसका मतलब ए का पावर में वन बाई एन, राइट? ए टू द पावर एन इक्वल्स टू के, व्हाट इज के? के इज कॉन्स्टेंट हियर, राइट? के कॉन्स्टेंट है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब पावर वन थर्ड होता है, तो एनथ रूट होगा तो पावर वन बाई एन हो जाएगा। राइट? अभी सपोज ए टू द पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो अपने पावर को जब दूसरे तरफ शिफ्ट करते तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है पावर, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर वन बाई एन। राइट? ए बी का पावर में एम, राइट? तो अपने क्या कर सकते हैं, ए का पावर में एम इंटू बी का पावर में एम, यही अगर डिवीजन में हो तो इसको अपने लिख सकते हैं ए टू द पावर एम बाई बी टू द पावर एम। ब्रैकेट के अंदर में जितने भी नंबर्स है सब में पावर आ जाएंगे। चलिए अब हम लोग इतना सारा फॉर्मूलाज देखा है, अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आपका काम क्या है, मैंने जितना भी आपको लिखाया है आपको एक पीस ऑफ पेपर में लिखना है और उसको दीवार में चिपका देना है। दीवारों में जो रंग लगा हुआ है जब तक वो उन दीवारों से उतरेगा नहीं
तब तक वो आप पे चढ़ेगा नहीं। सिंपल सा बात है भैया। जब मैं पढ़ता था, आज मेरी जो भी तरक्की है, राइट, मेरा जीवन जो इतना रंगीन है, इतना कलरफुल है, इतना जॉयफुल है, ये एक ही कारण से हुआ है, मेरे दीवारों का रंग मुझ पे आ गिरा, राइट। सिंपल सा फंडा है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आपका एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, पीस ऑफ पेपर में बनाकर उसको दीवार में चिपका देना है। आते जाते 2 मिनट का समय निकाल के जस्ट उसको गो थ्रू करना है, राइट। आइए लेट अस ड्यू फ्यू न्यूमेरिकल्स नाउ, राइट। आइए एट बाई 27 टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। प्लीज सॉल्व। 8 है मतलब 2 × 2 × 2, राइट। सो दिस इज 2³ और 27 है मतलब 3 × 3 × 3, राइट। 3³ पावर में 1/3, राइट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अगर पावर सेम है तो वो बाहर आ जाएगा। देखिए पावर सेम है, बाहर आ गया ना। सो दिस इज 2/3 पावर 3 और बाहर में ऑलरेडी 1/3 है, राइट। कट गया 2/3 टू द पावर 1, दैट इज 2/3 आंसर है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर में लाना है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। डॉट मतलब इनटू होता है ये। नाउ यहां साफ समझ में आ रहा है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन देख के ना समझ में आ जाता है कि अपने को क्या करना है। अगर ध्यान से आप देखेंगे 81 9 का स्क्वायर और 9 इटसेल्फ इज 3 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हमको यह चीज समझ में आ रही है, ये 3 to the power 4 है, यहां पे ऑलरेडी x to the power 4 है, हाँ या ना। राइट y का पावर में -8 है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो y to the power 8 हो जाएगा, अभी ये जो बाहर में पावर है ये सबके लिए है,
बाहर ये जो पावर है ये सबके लिए है, सो मैं बोल सकता हूं 3/4 इंटू 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू वाई टू द पावर 8 इंटू 1/4। तो इसको करने से 3 टू द पावर 1 आएगा ये, विच इज 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 इज एक्स, इसको काटेंगे तो 2 आया, सो दिस इज वाई स्क्वायर, सो 3xy² इज द आंसर, राइट। आइए धीरे धीरे टफनेस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया जब बेस कॉमन रहेगा पावर्स ऐड हो जाएंगे, एक्स 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 पावर्स को ऐड कर दो, पावर में ए माइनस बी प्लस प्लस सी माइनस ए, बहुत सिंपल है, राइट। कट गया कट गया कट गया, एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, बहुत सिंपल था। ये सब चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, दीज आर वेरी इजी स्टफ, सो वील मूव क्विकली। इसको साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं, इस टाइप का इक्वेशन जो होता है ना इसको साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। आइए एक्स टू द पावर ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अगर मेरे को इसको और थोड़ा टफ बनाना हो सो आई कैन डू वन मोर थिंग, एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर सी बाई एक्स टू द पावर ए, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। प्लीज काइंडली राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्स टू द पावर ए माइनस बी और वहां तो फिर पावर है ही, एक्स टू द पावर बी माइनस सी फिर वहां तो पावर्स है ही,
राइट, एक्स टू द पावर सी माइनस ए, फिर राइट अब पावर में पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, सो एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर, इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। बचपन में अगर आपने सीखा होगा, दिस इज नथिंग बट दिस एंटायर, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है बी क्यूब माइनस सी क्यूब, राइट। देखो ए का इसके साथ पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी का ये वाला से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी बीच का जो भी है वो कट जाएगा आपसरी में जब आप इसको फुल फ्लेजेड सॉल्व करोगे ना। एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, अब बेस कॉमन है तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूं, ब्रैकेट खोलूंगा, ये सब कटेंगे, एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। शैल वी मूव अहेड नाउ, ऑनलाइन प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। राइट, आइए अभी मैं आपको दूसरा टाइप का, ये तो मैंने आपको बताया। नाउ इस टाइप का जितना भी होता है ना, इसको अपन साइक्लिकल ऑर्डर ट्रिक बोलते हैं। इसमें हमेशा आप देखिएगा, जब आप जोड़ेंगे ना तो पावर में जीरो आएगा, सो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, राइट। फ्यू मोर वी विल डू व्हेन वी प्रैक्टिस, बट एज ऑफ नाउ लेट अस मूव अहेड। एग्जाम में आएगा 2 टू द पावर ए इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर बी इज इक्वल्स टू 12 टू द पावर सी, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 2 बाई ए, इसका वैल्यू निकालना है ना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, राइट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, सबको कांस्टेंट पकड़ लो, एवरीथिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो व्हाट आई विल डू,
टू टू द पावर ए, थ्री टू द पावर बी, ट्वेल्व टू द पावर सी इक्वल्स टू के, राइट? सो देयरफॉर टू इज इक्वल्स टू के बाई वन बाई ए, थ्री इक्वल्स टू के बाई वन बाई बी, ट्वेल्व इक्वल्स टू के बाई वन बाई सी, ए बी सी इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको फिर लॉग यूज करना पड़ेगा, वो थोड़ा दिक्कतदायी वाली बात है। सो अगर इस टाइप का रहेगा तो अपने उसको कांस्टेंट पकड़ लेंगे, दिस इज व्हाट के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। सो टू की वैल्यू क्या होगा, पावर रेसिप्रोकल में चला जाएगा। सो टू मतलब के टू द पावर वन बाई ए, थ्री मतलब के टू द पावर वन बाई बी, ट्वेल्व मतलब के टू द पावर वन बाई सी। इसको भूल जाओ, डोंट रिमेंबर दिस, यही ट्रिक है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, साथ में एमसीक्यू करने का तरीका भी बता रहा हूं, राइट? अभी इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 12। इसकी फैक्टर बनाएंगे हम, क्या करेंगे इसकी हम फैक्टर बनाएंगे। सो 12 का फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू थ्री। चलो सर 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को अगर मैं करूं तो मैं बोल सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू थ्री, नाउ 12 मतलब k टू द पावर 1 बाई सी, 2 मतलब k टू द पावर 1 बाई ए, लेकिन 2 का स्क्वायर है, 3 मतलब k टू द पावर 1 बाई बी, राइट? पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा 12 को, राइट? अभी मेरे को क्या करना है, बहुत सिंपल है, k टू द पावर 1 बाई सी ठीक है इक्वल्स टू k टू द पावर 2 बाई ए इंटू k टू द पावर 1 बाई बी। अभी बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगा, तो k टू द पावर 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी, बोथ साइड्स अगर बेस सेम है देन पावर्स आर इक्वल, बेस सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल ना। सो 1 बाई सी इज इक्वल्स टू 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी, सबको इधर ले आओ, 1 बाई सी माइनस 2 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल्स टू 0, सो 0 इज द आंसर, देख लो 1 बाई सी माइनस 2 बाई ए माइनस 1 बाई बी, राइट? आइए लेट अस डू वन मोर, जीरो पॉइंट सॉरी 5.678 टू द पावर एक्स equals to
राइट, 5.678 टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू 1000. देन 1/x माइनस 1/y, दिस इज द वैल्यू दे हैव आस्क्ड अस. देयर इज सम मिस्टेक समवेयर, लेट मी जस्ट डू वन थिंग. इन बुक इट इज गिवन रॉन्ग. So I told you what we have to do. Let us take it k. ठीक है. So therefore 5.678 is equals to k to the power 1/x. 0.5678 is equals to k to the power 1/y. And this is 1000. 1000 equals to k. We can write it like this. Okay, wait, I'll tell you. Now, somewhere we have to find out some relationship. Right? Now what relationship we can find out? Last problem we did factorization, right? Now if I multiply 0.5678 with 10, if I multiply 0.5678 with 10, I'll get this. Yes or no? And this 1000, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा. जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम बार 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 देखते रहेंगे ना, तो आपको अपने आप में आएगा. आप ध्यान से देखिए, इसको मैं 10^3 लिख सकता हूं. समवेयर मेरे को कुछ कनेक्शन निकालना पड़ेगा. इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है, समवेयर और द अदर आई हैव टू फाइंड आउट सम कनेक्शन. वहां पे मैं 4 × 3 था, 4 × 3 करने से 12 आ रहा था. अपने पास 12 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, बट 4 की नहीं है, तो मैंने उसको 2 का स्क्वायर कर लिया. अभी कहीं ना कहीं आप देखिए 5.678 इक्वल्स टू 0.5678 इंटू 10 अगर मैं करूं तो ये सही है ना. So 10 cube is k, so what is 10? K to the power 1/3. अभी आप देखिए, मैं इसका जगह लिख सकता हूं k to the power 1/x, इसके जगह मैं लिख सकता हूं k to the power 1/y. और 10 के जगह लिख सकता हूं k टू द पावर 1/3. बेस कॉमन है, k टू द पावर 1/x इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y प्लस 1/3. बेस का वन पावर ऐड, अब टू साइड्स बेस कॉमन, पावर्स आर इक्वल. वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/3.
isn't it? हो गया. Therefore, 1 by x minus 1 by y is equals to 1 by 3. यही पूछा था ना. This is what they have asked us. कहीं ना कहीं आपको फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लीकेशन, कुछ ना कुछ करके आपको, ये ट्रिक है इसका. आइए चलिए बढ़ते आगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा. ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू विल गेट इन एग्जाम. ध्यान से देखिएगा. सब में मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को तीन कॉमन में लेके आना है. नाइन मतलब थ्री स्क्वायर का 2x, थ्री क्यूब बाई, ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, थ्री टू द पावर 4x हो जाएगा ये. और डिवीजन में है तो डिफरेंस 3 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 2. बेस से में तो पावर इक्वल 4x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स. माइनस एक्स इधर आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/5. इससे आसान हो नहीं सकता कुछ आपकी जिंदगी में. हमेशा याद रखना, हम हैं स्टूडेंट, हमारा एक ही कर्तव्य होता है पढ़ना. पढ़ना ही हमारे लिए जीवन है. और ये जो 4 साल 5 साल आप पढ़ेंगे, इसी से आपका भविष्य तय होगा. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 4. फाइंड x. देखें आप कर पाते हैं क्या. करिए तो. कैन यू डू इट? जस्ट डू इट, ट्राई. ट्राई करिए.
टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एट आ गया। अब यहां पे ऐसा लाओ कि बेस सेम हो जाए, सो टू इंटू टू इंटू टू, सो टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टू क्यूब, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू थ्री, दैट्स इट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स से इतना ही, राइट आने वाले क्लासेस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, राइट। फॉर टाइम टेबल कीप ऑन चेकिंग AEIQ फोरम, लाइक टुमारो यू हैव DINLR क्लास एट 4 o'clock, ठीक है। वील ट्राई टू कीप आर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। थैंक यू सो मच।